हल स्टूडेंट ऑफ द क्लास की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइ का दबाना ना भूलें इसके सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए आप किसी जानकारी से वंचित ना रहे तो जैसा कि देखिए मैं आपको बता दूं आज अठारह तारीख है और लास्ट डेट है यूपी स्कॉलरशिप का जैसे कि पहले ही आपको रिमाइंड करा दिया गया था कि भाई देखिए लास्ट डेट है और आज फॉर्म भर दीजिए आज के बाद डेट बढ़ती है अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो कर लीजिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ संशोधन होगा क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका और कॉलेज को भी डेडलाइन दे दी गई है तो अब संशोधन होता है तो फिर बात की बात है लेकिन अभी आपको जो डेडलाइन है वो आज ही की है तो अगर किसी भी कारणवश आपका फॉर्म में त्रुटि वगैरह जो कॉलेज से संशोधन किए गए थे वो कॉलेज ने बताया था आपको ये चेंज करना है तो आपने चेंज नहीं करवाया तो आज फाइनल प्रिंट निकलवा लीजिए चेंज करवा के क्योंकि देखिए पूरा एक समय सारणी में समय अवधि में दिखा दिया गया था कि क्या क्या कब कब होगा तो ये नोटिस भी दिखा देता हूं मैं आपको प्रेस विज्ञप्ति है इसमें सबको साफ साफ लिखा है कि कब तक डेट एक्सटेंड कर दी गई है और क्या लास्ट डेट है कॉलेज वाले कब तक ऑनलाइन साइट को अपडेट कर सकते हैं वो क्या करते हैं देखिए मैं आपको बता दूं आपने ये फॉर्म भरा उसके बाद में साइड पे कॉलेज वाले कुछ उसमें संशोधन करते हैं वो क्या संशोधन है वो ये संशोधन है कि वो आपके अटेंडेंस मेंशन करते हैं वहां कि कितने प्रतिशत हो गई उसके बाद में कि छात्र हमारे कॉलेज का है वेरिफिकेशन करते हैं उसका तो ऐसे कुछ काम है जो कि फॉरवर्डिंग करते हैं उसके बाद ही आपकी देखिए आप स्टेटस देखते होंगे अपनी स्कॉलरशिप का स्टेटस देखते होंगे तो वहां पर लिखा होता है कि कॉलेज द्वारा स्थानांतरित कर दिया मतलब अपडेट कर दिया गया है इसको कॉलेज में अभी अटका हुआ है समाज कल्याण विभाग की साइड पर अपडेट नहीं हुआ है तो ये सब कुछ अपडेट है जो स्टेप है वो यहां पर देखिए तेईस जनवरी लिख दिया गया है तो फिर आप अब देर मत कीजिए मैं आपको बता दूं किसी भी कारण बस आपका या आपके दोस्त का फॉर्म रह गया है उसको फाइनल आपने जमा मतलब तो दिया है लेकिन आपने फाइनल प्रिंट नहीं निकाला कि हाँ निकलवा लेंगे तो देखिए यहां पर डेडलाइन दे दी गई है कि अठारह तारीख ऑनलाइन भरने की है इक्कीस तारीख तक आप सबमिट कर सकते हैं उसको संशोधन करके और बाईस तारीख को आपको कॉलेज में हंड्रेड हो जाना चाहिए क्योंकि तेईस तारीख लास्ट है कॉलेज के लिए कॉलेज तेईस तारीख के बाद में उसे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा तो कॉलेज वाले भी आज बहुत स्पीड से काम करेंगे क्योंकि 23 तारीख नजदीक आते आते एक दो दिन के अंदर आपको पता है कि 22 तारीख की तो सार्वजनिक छुट्टी हो चुकी है क्योंकि आपको पहले ही मैंने दिखाया था कि उसका पेपर भी एमजीपी रोक में हट गया है 22 तारीख का तो उस दिन तो छुट्टी है तो फिर एक दिन बसता है उसके बाद का तो एक दो दिन के अंदर अंदर कॉलेज वाले पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आज और कल दो दिन के अंदर अंदर अपने फॉर्म निकाल कर और 100 परसेंट कॉलेज में हार्ड कॉपी उसकी जमा करवा बा दीजिए बक विद डॉक्यूमेंट जिससे कि किसी प्रकार का असुविधा ना हो क्योंकि इस बार स्कॉलरशिप आने के ज्यादा चांसेस हैं और फंड भी ज्यादा रिलीज होगा मुझे लगता है कि ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जैसी कोई अपडेट आती है हम आपको बताएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट थी फिर कमेंट थैंक यू फॉर सपोर्ट